तो अगर एक हाई प्रोफाइल जॉब की मैं बात करूं, एक स्टार्टिंग लेवल या वन लेवल आप किसी मतलब एक सीए के जॉब की बात करूं, तो मेनी कंपनीज फॉर दैट मैटर आज की डेट में जो जेडीज रोल आउट करते हैं, दे हैव CA/ACCA एज द क्वालिफिकेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने B.Com कर रखी है, ग्रेजुएट हो आप ऑलरेडी, सो ACCA विल गिव यू 5 एग्जामिशंस। व्हाई? बिकॉज वो सेम पेपर्स आपने अपने B.Com की करिकुलम में पढ़ रखे हैं। मतलब आप कॉलेज के अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप ये 5 पेपर की एग्जामिशन लेके 6th पेपर ऑनवर्ड से अपनी ACCA की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ ACCA हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिल्पी जैन। She has vast experience in the accounting side and she is mentoring ACCA candidates for over last 16 years. So welcome Shilpi. Thank you for joining us in this podcast. Thank you so much Manoj. I'm very excited and I'm always very excited to talk about ACCA, especially with the kind of growth that ACCA is seeing in India. Agree. So Shilpi, मेरा आपसे पहला question है कि why ACCA is gaining so much popularity in India? Because ये इंडिया का डिग्री भी नहीं है, सी इट्स अ यूके यू नो अकाउंटिंग डिग्री, तो इंडिया में इसका क्या रेलिवेंस है एंड व्हाई देयर इज सो मच सर्ज इन इंटरेस्ट इन ACCA क्वालिफिकेशन ओवर द लास्ट यू नो कपल ऑफ इयर्स? That's a great question, Manoj. In fact, a lot of students, you know, ask me this question that whether this is something which is recognized in India, और अगर हम ACCA कर भी रहे हैं तो इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज बिकॉज ACCA इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ डिमांड इन इंडिया एज वेल। मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ करने को, कि ACCA का करियर्स पोर्टल ओपन अप करो, उसमें अक्रॉस द ग्लोब आप कोई भी कंट्री को जाके सर्च कर सकते हो द काइंड ऑफ डिमांड दैट ACCA हैव अक्रॉस द ग्लोब। बट शुरू में आपने क्या करना है, सिर्फ लोकेशन में जाके इंडिया सर्च करो। लुक एट द काइंड ऑफ डिमांड दैट ACCA हैव इन रियल टाइम एज वी आर स्पीकिंग, देन यू विल सी द काइंड ऑफ रिकग्निशन दैट दिस क्वालिफिकेशन ब्रिंग्स टू द टेबल। और ऐसा क्यों है? ये बहुत सिंपल है, बिकॉज ACCA इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, इसीलिए ACCA की भी रिकग्निशन ग्लोबल लेवल पे है। सो शिल्पी, आई कंप्लीटली एग्री विद यू बिकॉज इन टूडेज सिनेरियो यू विल सी कि IFRS का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, एंड स्पेशली जो लोग MNC साइड पे करियर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली IFRS का रोल काफ़ी बढ़ गया है इस चीज़ में। और जो लोग ACCA क्वालिफाइड हैं ओबियसली दे वुड हैव बेटर ग्रिप ऑन IFRS। तो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। Absolutely. I mean, see, IFRS knowledge brings to the table that you have global demand. Plus, ACCA is also very flexible. मतलब आप अगर कहीं full time working employee हो, अगर आप work life balance की अगर बात करो, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो full time, तो भी आप साथ साथ में ACCA कर सकते हो, and then definitely you can grow global with ACCA. Right. शिल्पी, आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है ACCA में, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेन करियर स्ट्रीम्स क्या हैं यहाँ पे, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कि मोस्टली ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स यू नो दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल यू नो इन देयर करियर। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? Again, a very good question, Manoj. See, obviously, Big Four तो हैं ही हैं, and not just Big Four. In fact, Big Tens में बहुत ACCA के demand है, financial services, banking industries. I mean, the list just goes on and on. एक सिंपल हमें एक फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है कि किस कंपनी को ACCA के डिमांड होगी। जो भी कंपनी की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है विद अ कंट्री दैट इज यू नो लुकिंग एट IFRS एज देयर बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन कंपनीज को IFRS नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, एंड दैट इज ACCA। दैट्स वेरी ट्रू शिल्पी। इनफैक्ट वी हैव सीन कि वॉल स्ट्रीट स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ACCA किया है, दे हैव बीन पिक्ड बाय द बिग फोर लाइक डेलॉयट, KPMG एंड ऑल। एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि काफ़ी स्टार्टअप फर्म्स भी ACCA को हायर कर रही हैं, एंड व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि बिकॉज दीज स्टार्टअप्स यू नो फंडेड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड्स विच आर मोस्टली यू नो इंटरनेशनल फंड्स, एंड दे हैव टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू नो गवर्नेंस एंड ऑल। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? एब्सोल्युटली मनोज, अगर सिर्फ MNCs में तो ऑब्वियसली डिमांड है ही है फॉर ACCS, बट स्टार्टअप्स का जो लॉन्ग टर्म होराइजन है दैट इज ऑल्सो टू गो ग्लोबल. Funding, yes, that is another major point that you picked up. Plus, their vision is not just to stick to India, right? They want to go global. So they want someone who has the perspective to be able to handle those visions, those decisions, those finances as well. और इसलिए startups भी ACCS को hire करते हैं. So Shilpi, many of our students want to know कि how ACCA is compared to Indian qualification like CA. और इन दोनों में से अगर मुझे कुछ चुनना है, तो मैं किसको चुनूँ? क्या मैं CA को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ या मैं ACCA की तरफ सोचूँ? I get that question a lot as well. Majorly because students जो भी accounting की line में जाना चाहता है उसको traditionally CA का तो पता है. It's like a household name for everyone, isn't it? But हाँ, ACCA is something which has really picked up in the last decade or so. But फिर भी मैं उसको एक household name नहीं बोलूँगी अभी भी. But somebody who is coming in from accountancy background या किसी भी आप Big Four के किसी accountant से बात करोगे, all know about the rigor of the accounting qualification that ACCA has. और इसीलिए अगर CA और ACCA की हम अगर एक कंपैरिजन टाइप की अगर बात करें तो CA इज मोर ट्रेडिशनल, बट whereas on the other hand ACCA इज लाइक अ मॉडर्न क्वालिफिकेशन, इवन दो मतलब 100 साल से पुरानी क्वालिफिकेशन है ACCA भी, बट हाँ इंडिया में यू कैन कॉल इट रिलेटिवली मॉडर्न बिकॉज CA की तरह इसमें कोई मतलब एक कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, कोई एग्रीगेशन नहीं है, बस एक फ्लैट 50% चाहिए आपको एग्जाम अपना क्लियर करने के लिए. सो इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और वो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्न ब्रिंग्स इन हायर पास रेट्स ऑल्सो. तो अगर एक हाई प्रोफाइल जॉब की मैं बात करूँ, एक स्टार्टिंग लेवल या वन लेवल आप किसी मतलब एक CA के जॉब की बात करूं तो मेनी कंपनीज फॉर दैट मैटर आज की डेट में जो JDs रोल आउट करते हैं दे हैव CA/ACCA एज द क्वालिफिकेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर. सो दैट इज व्हाई द डिमांड फ्रॉम ट्रेडिशनल CA हैज प्रोबेबली शिफ्टेड अ लिटिल बिट टू ACCA, एंड स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर ग्लोबल पर्सपेक्टिव देन यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर ACCA. एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी व्हाट you know ACCA provides you in clearing your exams. Basically आप अपने पेस पे अपना प्रिपरेशन करके एग्जाम्स दे सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे एग्जाम्स एक साथ वन गो में क्लियर करने हैं, विच इज़ नॉर्मली द सिनेरियो इन केस ऑफ CA. ऑल्सो वट आई अंडरस्टैंड कि देयर आर मेनी एग्जाम्शंस अवेलेबल. इफ समबडी इज़ फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स का एग्जामिशन भी मिलता है, तो इट्स ईजी टू कम्प्लीट दिस डिग्री मे बी इन द शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम. तो शिल्पी, वट दिस एग्जामिशन इज ऑल अबाउट, यू नो इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब हाउ स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड फॉर दीज एग्जामिशंस? So basically, ACCA recognizes the time, energy and money that you've spent in building your base qualification till now. सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने B.Com कर रखी है, ग्रेजुएट हो आप ऑलरेडी, सो ACCA विल गिव यू 5 एग्जामिशंस. वाई? बिकॉज वो सेम पेपर्स आपने अपने B.Com की करिकुलम में पढ़ रखे हैं. इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर से ACCA ने कंडीशनल एग्जामिशंस भी ग्रांट करना शुरू कर दिया है. कंडीशनल एग्जामिशंस कंडीशनड ऑन द फैक्ट दैट यू विल बिकम अ ग्रेजुएट. तो जो 5 पेपर की एग्जामिशंस एक ग्रेजुएट को मिलती है वो अब एक परसुइंग ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी मिल रही है. मतलब आप कॉलेज की अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप ये 5 पेपर की एग्जामिशन लेके 6th पेपर ऑनवर्ड से अपनी ACCA की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो. वाओ, दैट्स वंडरफुल. Absolutely, and that is the beauty of the qualification. In fact, CAs के लिए मतलब qualified CAs as well as students who are kind of struggling to clear their CA journey, ACCA awards up to 9 exemptions for them. That is something that really puts them on a fast track route. And qualified CAs CA करने के बाद भी ACCA करते हैं to go global. So 9 exemptions means they just have to clear 4 exams and they are qualified ACCA. Absolutely. So just 4 papers at the professional level and that's it. That's pretty good. So Shilpi, globally इसकी क्या recognition है? जैसे हमने बात की कि इंडिया में काफ़ी स्कोप है, अगर आपको MNC में काम करना है, स्टार्टअप्स में काम करना है तो काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की, इस डिग्री की. पर अगर if somebody is looking to make career in the international market or they want to settle abroad, तो क्या आपको लगता है कि उनको ये डिग्री करना चाहिए और इट विल हेल्प देम इन इन देयर करियर प्रोग्रेशन? That's in fact a very exciting question for ACCA because like I said, it's an international qualification. So definitely recognition is across the globe as well. But for someone who has done their ACCA qualification in India and is looking for international career opportunities, तो वो transition कैसे मिलेगा? वो India से बाहर job मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी? All of that pathway is there. तो उसका एक तरीका है. In fact, you know, a lot of my past students are now who are done their ACCA in India, got hired in Big Fours, you know, like KPMG. And KPMG India, in fact, has now sent them off to KPMG UK. So there's a lot of success stories that we have. In fact, I have done a few podcasts in the past, and there is a lot, you know, planned as well ahead, wherein we will be sharing these success stories of our students with our all, you know, other students as well. So yes, so be it UK, UAE, Singapore, the demand for ACCA professionals is certainly all across the globe. And many ACCA students have successfully transitioned from India to the rest of the world as well. This is wonderful. So in fact, we have seen many success stories of our, you know, Wall Street students who have done ACCA and they are doing exceptionally well in their career abroad. And, you know, they are working at a global firm like KPMG, Deloitte, what you mentioned. Right. So that's wonderful pathway for someone who want to take up career in accounting and that too on the international side. So Shilpi, I completely agree with you on this point कि ACCA आपको एक platform देता है, एक global platform देता है, and which open up, you know, so many opportunities in the global market as well as in India, right? And which is missing in the localized, you know, accounting degrees. So that's definitely a good opportunity for someone who want to make career on the accounting side, international accounting side. Absolutely, Manoj, and not just internationally. I mean, even if you want to stay in India, तो India में भी ACCAs की मतलब भर के demand है actually. Just look at the kind of, you know, opportunities which are available. Simple काम करो, Google पे जाओ, Google open करो, ACCA opportunities in India. Type in some keywords. I mean, that it will show the kind of opportunities which are available for ACCA students, not just only in India, but across the globe as well. Okay. So, Shilpi, thank you so much, you know, sharing this wonderful insight about ACCA and, you know, how someone, you know, can transform their career by pursuing this degree, you know, in domestic market as well as in the international market. I'm sure जो भी हमारे viewers हैं, जो लोग ये podcast देख रहे हैं, उनको definitely काफ़ी help मिला होगा और especially with your experience, you know, having such a vast experience, you know, sharing with the candidates. So such a wonderful podcast we have today. Thank you so much. Thank you so much, Manoj, and I'm really excited and I'm always passionate to talk about ACCA to all the prospective students. So we welcome, you know, all the candidates, all the students who have any further queries about the qualification. Please feel free to reach out to us and we'll be more than happy to, you know, answer all your queries.